दोस्तों, कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री सभी शो पर जा रहे हैं और अपनी फिल्म को लेकर सभी को संदेश दे रहे हैं। वहीं अब अनुपम खेर अपनी टीम के साथ एबीपी में रूबी का लियाकत के शो में पहुंचे और वहां पहुंचकर जमकर एक्टिंग की, लेकिन यहां पर रूबी का लियाकत ने अनुपम खेर को भी फेल कर दिया। दोस्तों, जब अनुपम खेर से रूबी का बात कर रही थी तो बात करते करते रोने लगी और उसके बाद ही उनका दूसरा चेहरा देखने को मिला। जैसा ही पर्दे के पीछे गई, हंसने लगी, गले मिलने लगी, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ये दोनों वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, कश्मीर फाइल्स के नाम पर जनता से ना जाने कितने सच छिपाए जा रहे हैं। दोस्तों, रूबीका जी को गोदी मीडिया की एंकर और बिकाऊ पत्रकार क्यों कहा जाता है, ये सवाल कभी आपने सोचा है क्या? क्योंकि जो ये पर्दे के सामने है वो पर्दे के पीछे नहीं है। शायद इसीलिए इनको इन नामों से बुलाया जाता है, जिसमें इनके अंदर दिखावा, झूठ और पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता भरी हुई है, जिसे आपने भी देखा होगा। जो सत्ता में जो सरकार होती है उनके साथ ये चाटुकार रहते हैं, पर इस बार इस वीडियो से ये साफ हो गया है कि ये जो भी करती है ये बस कैमरे के लिए करती है और ये सब दिखावा होता है। कैमरे के सामने रूबीका लियाकत ने किस तरह से अनुपम खेर को गले लगाया, और आप पहले इस वीडियो को देखिए, लेकिन इसके बाद इस वीडियो को भी देखिए जो कैमरे के आगे रो रहे थे और ये दोनों पर्दे के पीछे किस तरह से गले मिल रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ये दो चेहरे नहीं है? ये रूबीका जी की सच्चाई है। और सिर्फ रूबीका ही नहीं, अनुपम खेर को भी आप देखिए, इनके दो चेहरे हैं, जिसे आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत के लोगों को आधे सच से रूबरू करवाया जा रहा है। जनता को इस फिल्म में पूरा सच नहीं दिखाए गए। दोस्तों, इस फिल्म में ये बताया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार आतंकवादी नहीं थे, मुस्लिम समुदाय थे, उनका पूरा समाज था। और इस फिल्म की वजह से लगातार देश में नफरत फैल रही है। आजकल के युवाओं के अंदर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर फैलाने का काम ये फिल्म कर रही है, जो अभी तक भाजपा सरकार के लिए गोदी मीडिया के एंकर भी करते आए हैं। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश बट रहा है। दोस्तों, इस फिल्म में ये कहीं नहीं बताया गया है कि मरने वालों में कश्मीरी पंडित ही नहीं कश्मीरी मुस्लिम भी थे, लेकिन इस फिल्म में ये कहीं नहीं बताया गया है कि मुसलमानों की भी जान गई थी। क्यों इस सच को छिपाया गया है? इस खबर में सिर्फ इतना ही। वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।